الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد کی 17th آیت ہے. انزل من السماء ماء, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یعنی جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کی عبادت کی, بندگی کی, اس کا حق ادا کیا وہ, اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کو پہچانا نہیں, اس کا انکار کیا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ تاریکیاں اور روشنی یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. روشنی کس کو کہا؟ حق کو روشنی کہا, اور تاریکیاں باطل کو کہا. اب یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے کہ دونوں برابر کیسے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی مثالیں بیان فرمائی جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی بارش کے پانی کی, وہ یہ ہے کہ انزل من السماء ماء, اللہ تبارک تعالیٰ
आसमान की तरफ से इन्हें बादलों से बारिश बरसाते हैं, बारिश बरस गई, फसालत औदियतुम बिकदरिहा, तो नदी और नाले ये बहने लगते हैं, बेकदरिया के अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, यानी जब बारिश आती है तो जो छोटी सी नाली होती है तो उसमें उतना ही पानी आएगा, और अगर उससे बड़ी नाली है तो उसमें उससे ज़्यादा आएगा, बकदर ज़र्फ़। फिर होता क्या है, जब बारिश बहुत बरसती है तो ज़मीन के ऊपर जो कूड़ा करकट होता है, कहीं तिनके हैं, कहीं को कागज़ है, ये सारी चीज़ें, तो बारिश जो है उसको अपने साथ लाती है। आसमान से बारिश बरसती है वो बिल्कुल साफ शफाफ होती है, लेकिन जब नदी नालों में आते हैं वो साफ शफाफ नहीं रहती है, उसका रंग भी तब्दील हो जाता है, वो गदला हो जाता है। तो ज़मीन के ऊपर जो कूड़ा करकट है और गर्द गुबार है, तो उसकी वजह से उस पानी का रंग बदल जाता है, गदलापन उसमें आता है, और जो ये ऊपर जी चीज़ें हैं ये ऊपर ऊपर रहती हैं। तो जब हम दरिया को देखते हैं, नाली को देखते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर से कूड़ा करकट है और घास है और कागज़ है और वो गत्ते के डब्बे हैं, ये है, और झाग है, और पानी भी गदला है, तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम गई, अब जो ऊपर ऊपर था ये झाग ये सब आगे चला जाता है, आगे चला जाता है, तो फिर कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं पानी फिर साफ़ होने लगता है, ये जो झाग था और जो दूसरी चीज़ें ये सब गायब हो गई। ये मिसाल एक अल्लाह ने दे दी। इसमें क्या फरमाना चाहते हैं अल्लाह ताला, फरमाना चाहते हैं कि ज़मीन जो कूड़े करकट और मैल कुचैल से भरी हुई थी, अल्लाह ताला ने मौसम आया, बहरान आ गया, तो पानी बरसा, छोटे नाले बड़े नाले ये सब जो है भर गए। उसके बाद जो है ये जो मैल कुचैल था ये झाग बनकर ऊपर आ गया, पानी गायब हो गया, पानी अब ज़्यादा नज़र नहीं आता है, झाग ही ऊपर आ गया, पानी की सतह पर छा गया। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि पानी चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर देखो कूड़ा करकट का कोई नाव निशान नहीं है, ओ अल्लाह पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ले गया अल्लाह ताला उसको। ये एक मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई। इसमें क्या बयान फरमाना चाहते हैं कि जैसे बारिश बरसती है तो सबको नज़र आती है, ऐसे वही की बारिश है, किसकी, वही की बारिश है, और वही की बारिश दिलों पर बरसती है, किस पर, दिलों पर बरसती है। और तो जो ज़मीन पर कूड़ा करकट था तो ज़ाहरी बारिश ने उसको ले लिया, सब साफ हो गया, लेकिन शुरू में हमने देखा कि पानी गोया मगलूब है और झाग उसके ऊपर है, और सब जानते हैं, तजुर्बा है, ये झाग आर्जी है, असल तो नफ़ा देने वाली चीज़ पर है पानी है। यह मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, और ये गोया कि रहमत का बहरान है, रहमत का बहरान है, लेकिन ज़मीन में जो है वो इसके ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, शिर्क है और दूसरी चीज़ें हैं, और बाकी शराब है, चोरियां हैं, ये डकैतियां हैं, ये सारी चीज़ें, ये कूड़ा करकट है, क्या है। अब जो वही नाजिल हुई तो ये वही जो है वो अब इसको अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन ये ज़मीन की चीज़ें हैं ये गालिब आती हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लम के साथ मुखालफत होती है, जो है वो सारे कुरैश और दूसरे मिल कर आ गए ताकि इस हक़ की आवाज़ को दबा लें, और बात करने भी नहीं देते थे। कुरान पाक ने खुद फरमाया وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे, उसमें अक्सर आप कुरान पाक के आयतों की तिलावत फरमाते थे, लोग मुतासिर भी हो जाते थे। इधर से कुफार को ये परेशानी थी कि अगर हमारे ये जवान वगैरह सब सुनेंगे तो ये जो है इस्लाम कबूल करेंगे, मुवाहिद हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब ये बयान करेंगे कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप शोर मचाना, सीटियाँ बजाना, ताकि ये मगलूब हो जाए, इनकी आवाज़ कोई ना सुने, ये कुरान पाक में है, ऐसा वो करते थे। इस तरह से वो दबाना चाहते थे इसको, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुकाबले में भी आए, लेकिन आखिर में ऐसा ही हुआ कि हक़ ही गालिब रहा, कि वो जो अल्लाह के नबी की मुखालफत हो रही थी और उसको सताया जा रहा था, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से चली गई। ये अल्लाह ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो मिसाल जो हर एक आदमी समझता है
कि हक ही गालिब रहता है, ये अल्लाह ने फरमाया। दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने फरमाया फरमाई कि वमिम्मा यूकिदून अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिलियतिन औ मताअ ज़बदुन मिस्लुह। ये दूसरी मिसाल है। दूसरी मिसाल क्या है? फरमाया कि दूसरी मिसाल है जो लोग पीतल, तांबा, लोहा वगैरह इसको वो आग में डालते हैं, किस में आग में डालते हैं, कभी वो तेज़ाब में भी डालते हैं, तो वो उससे जेवर बनाना चाहते हैं, तो जब उसको उबालते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, तो झाग और मैल ये सब ऊपर आ जाता है, तो वो जो बनाने वाला होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस झाग को इधर डाल देता है, इधर डाल देता है। झाग की वजह से असल चीज़ नज़र न सोना नज़र आता है, न चांदी नज़र आती है, न धात नज़र आते हैं। वो उठाता है उसको, बाद चीज़ें तो खुद ही खुशक हो जाती हैं। इस तरह से जो कारामत चीज़ है वो नीचे रह गई, जो बेकार चीज़ है वो ऊपर से फिर ख़त्म हो गई। ये अल्लाह ने दो मिसालें यहाँ बयान फरमाई, फरमाया कि और वो उस चीज़ से जो लोग धोंकते हैं और उस पर जो है आग में उसको रखते हैं, क्यों? ताकि जेवर बना लें या दूसरे असबाब वगैरह जो भी बनाना हो। फरमाते हैं कि ज़बदुन मिसलुहु, उसके ऊपर झाग आती है बराबर उसी के, लेकिन वो झाग फिर ख़त्म हो जाती है, वो जो बनाने वाला झाग को अलग कर देता है। ये दो मिसालें अल्लाह ने बयान फरमाई कि जो नफ़ा वाली चीज़ है वो नीचे रह गई, जो बेकार चीज़ है वो ख़त्म हो गई। मतलब तो ये कि हक आखिर में गालिब रहता है, हक हक ही है, वो बाकी रहता है। कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल हक़ वल बातिल, ऐसे अल्लाह तबारक ताला वाज़ह फरमाते हैं हक़ और बातिल को। फअम्मा ज़बदु, और जो झाग था, फयज़हबु, सो वो चला गया, जुफ़ान, वो तो बेफायदा था, रायगान हो गया। और वअम्मा मा यनफ़ाउन नास, और वो जो चीज़ लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाली, फयमकुसु फिल अर्द, वो ठहर जाती है ज़मीन में, जैसे ये साफ पानी और वो जेवरात वगैरह। कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अम्साल, अल्लाह ताला मिसालें बयान फरमाते हैं ताकि लोग इसको समझें। फिर उसके बाद दो किस्म के लोग आए, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। अब दोनों का अंजाम क्या होगा? फरमाया लिल्लज़ी नस्तजाबू लिरब्बिहिम, जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली, उनके लिए अलहुस्ना है, भलाई है, मरने के बाद जन्नत है, ऐश करेंगे वहाँ। और वल्लज़ी नम यस्तजीबू, और जिन्होंने हक की बात को कबूल नहीं किया, फरमाते हैं कि मैशर के मैदान में जब आएंगे, सबों को आना ही पड़ेगा, तो वहाँ चूँकि उन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया, ईमान कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला को माना नहीं, नबियों को नहीं माना, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को नहीं माना, जन्नत जहन्नम को नहीं मान रहे हैं, तो जब जहन्नम के फैसले होंगे तो हर शख्स ये कोशिश करेगा कि मैं सारी दौलत दे दूँ जो ज़मीन में है, और उसके बराबर और फिदिये में दे दूँ, और उससे कहूँगी मुझे छोड़ दो। दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना कि आदमी फिदिया देता है तो अपनी जान छुड़ा लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़, अगर उनके पास हो जो कुछ ज़मीन में है, खजाने और माल और दौलत जमीन सारे का सारा इकट्ठा, वह मिसलहू माहू, और उसी के बगैर और लफ्तदौ बिही, और वो फिदिया देना चाहें, फिदिया का मतलब है कि आपने जान छुड़ाने के लिए कोई रकम पेश करना, फरमाते हैं कि ये उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला को ख़जानों को क्या करना है? अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें और मेरे हुक्मों पर चलें। ओलाइक अलहुम सूल हिसाब, इन लोगों के लिए तो बड़ा सख्त हिसाब होगा, सख्त हिसाब होगा, बात बात पर पकड़ होगी, वो काम क्यों किया, ये काम यूँ क्यों किया, फलां जगह ये क्यों किया, सख्त अजाब होगा उनका। वमा वाहम जहन्नम, और उनका ठिकाना दोजख है, वह भी असल मिहाद, और बहुत बुरी जगह है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। दूसरा मतलब इसका यह है कि ईमान जब दिल में आता है, ऐसा सुकून मिलता है उससे, और ऐसी चाशनी है उसकी कि एक आदमी चाहे कि मुझे सुकून मिल जाए, हकीकी सुकून, तो जितने दुनिया में दौलतें हैं अगर उसके पास वो भी आए और उसके और भी आ जाए, तब भी उसको वो दिल का सुकून मिल नहीं सकता। क्यों? दिल को सुकून मिलता है अल्लाह को मानने से, अल्लाह की याद से। ज़ाहिर एतबार से तो उसके पास बहुत माल दौलत होगा, लेकिन उसका दिल बेकरार और बेचैन होगा।
एक हदीस में फरमाया कि मालदारी सामान का नाम नहीं है, किसी के घर में बहुत सामान है मालदार है नहीं, कहा मालदार है दिल की बेनियाजी का, मालदारी नाम है दिल की बेनियाजी का, दिल बेनियाज है, ये माल तो ठीक है, ये ज़रूरत की चीज़ है। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि वो शख्स अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक्कु कमन हुवा अमा, उसी की वजाहत है जो पहले आया, वो शख्स जो जानता है अन्नमा उन्ज़िल इलैका जो कुछ नाजिल हुआ आपकी तरफ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब्बी का तेरे रब अल हक बिल्कुल सच्चा है। एक आदमी उसको सच्चा मानता है कि जो कुछ अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ वो सब सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। कमन हुआ आमा, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाबीना है। इन्नमा तज़क्करुल अलबाब, नसीहत तो सिर्फ समझदार लोग कबूल करते हैं। अबू जहल भी उसी मोहल्ले में रहता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी उसी मोहल्ले में रहते थे, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जिस शख्स के सामने भी ईमान और इस्लाम पेश किया तो कुछ न कुछ किसी ने पसपेश किया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने कहा देखेंगे, किसी ने कहा मशवरा करेंगे, सिवाय एक शख्स के कि जब मैंने उनके सामने ये बात पेश की कि मेरे ऊपर वही नाजिल हुई और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, तो उन्होंने कहा मैं आपके नबूवत की तस्दीक करता हूँ, कहा वो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। तो बहरहाल ये फरमाया तो अबू जहल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो एक तस्दीक करने वाला है और बीना है, पहचानता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी हैं, दूसरा जो आमा है उसने पहचाना नहीं मौजज़ात देखने के बावजूद। फरमाया कि नसीहत तो अकल कबूल करते हैं अकल वाले, यही वजह यह है कि जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना दुनिया में और उसका हक अदा नहीं किया तो वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से इकरार करेंगे हमारे पास अकल नहीं थी क्या। ये है कुरान पाक में वक़ालू लव कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू मा कुन्ना फ़ी असाबिस सईर, दोस्ती कहेंगे कि काश अगर हमने सुना होता, नस्मऊ दुनिया में, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ सुनते हैं यानी हक क्या, औ नाक़िलू या अगर हमारे पास अक़ल होती मा कुन्ना फ़ी असाबिस सईर हम दोज़ख़ में न होते। फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम, वह अपने गुनाहों का इकरार खुद करेंगे। फ़सुहक़ल लिअसहाबिस सईर, अल्लाह ताला फरमाते लानत हो दोज़खियों पर। तो इसमें फरमाएं कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब ये उलुल अलबाब है ना अक़ल वाले, ये कौन है। अब उनके नौ सिफात आ रहे हैं, इसमें कितने नौ सिफात आ रहे हैं। उसमें पहली सिफत है अल्लज़ीन यूफून बिअहदिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के वादों को पूरा करते हैं, अल्लाह ताला के वादों को पूरा करते हैं, अल्लाह के वादे को। ये अल्लाह का वादा कौन सा है। सबसे पहले अल्लाह का वादा वो है जो हम सब लोगों ने किया है, पूरे औलाद आदम ने अल्लाह ताला के सामने आलम अरवाह में, आलम और उसका तज़किरा सूरह आराफ में है कि अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सामने लाया और अपना दस्त मुबारक उसके पुश्त मुबारक पर शाने पर फेरा तो वहाँ नीचे छोटे 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 इंसान जमा हो गए पूरे के पूरे सारे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह ये कौन सी ज़ुर्रियत है। फरमाया कि ये आपकी औलाद है, ये आपकी औलाद, ये मैं उसका खुलासा बताता हूँ वरना रिवायत बहुत लंबी है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने हम सब के साथ कलाम फरमाया, आखिर में ये फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, खालिक मालिक नहीं हूँ। सब उन्हें कहा भला बिल्कुल क्यों नहीं। तो वहाँ सब ने वादा किया कि हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी इताअत करेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो दुनिया में आकर वो वादा हम भूल गए, याद नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया कि दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को भेजेंगे, वो उस वादे को याद दिलाएंगे। जनाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वादे को याद दिलाया, ख़ुद अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि तुमने हमसे वादा कर रखा है। तो जब अल्लाह ताला फरमाते तुमने हमसे वादा किया है तो हमको मानना चाहिए। दुनिया में एक आदमी बहुत दयानतदार है, लालची नहीं है, सखी भी है, बिजनेसमैन है, उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई मुझे इतने पैसे उधार चाहिए, उसने दे दिए,
या जैसे ये मिसाल ये है, कभी हम दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई ये 500 का नोट है, मुझे श्रीनगर तक जाना है, हाँ तो ज़रा चेंज दे दीजिए। उसने कहा चेंज तो मेरे पास है ही नहीं। उसने कहा अब क्या करेंगे? तो उसने कहा फ़िलहाल ऐसा कर लो कि तुम ये ले लो, क्या ये 1000 का नोट है, तो फिर मुझे वापस देना। बहरहाल जो भी सूरत हो, यानी उसे उधार ले लिया। बाद में वो आदमी भूल गया, बाद में आदमी उसको याद नहीं रहा। बहुत वक्त के बाद उस दुकानदार ने उससे कहा कि आपने मुझसे इतने पैसे ले लिए। उसने कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आप पर भरोसा, आप तो लाखों करोड़ों के ऊपर भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो 50 रुपये और 100 रुपये क्या बोलेंगे? उसने कहा चलो ठीक है, तो मैं देता हूँ। तो उस पर एतमाद किया। तो ऐसे ही अगर हमको वो वादा याद नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वादा याद दिलाया। आवाम तो भूल गए, खवास को याद है। वो वाक़या आपने बहुत मतलब सुना होगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसी आयत के बारे में पूछा गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि आप इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो आवाज़ इस वक्त भी मेरे कानों में गूंजती है जब अल्लाह ने हमसे वादा लिया। क्योंकि खवास जो है उनका मामला अलग होता है। तो फरमाया कि ये ईमान वाले जो हैं, अक़ल वाले, इनकी पहली सिफत ये है, यूफ़ून बिअहदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के वादे को पूरा करते हैं। अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं, जो आवाम के साथ वो वादे करते हैं उनको भी पूरा करते हैं। इसलिए फरमाया कि ईमान वाला अपना वादा तोड़ता नहीं है। तो एक सिफत इनकी ये बता दी, यूफ़ून बिअहदिल्लाह वला यनक़ुदून अल-मीसाक। एक तो वादा पूरा कर लेना, एक ये कि वादे को तोड़ते नहीं, वादे को अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं, उसकी नाफरमानी करेंगे। उधर तो बताया कि हम फरमाबरदारी करेंगे, फिर तोड़ा। ऐसे लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं उनको भी तोड़ते नहीं हैं। और ये वादा जो है ये एक किस्म का कर्ज है। क्या है? यह हदीस में है कि अलईदतु दैनुन, किसी से वादा करोगे ये वादा दैन है। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि कल्लमा ख़तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत कम ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खुतबा दिया, वाज फरमाया, जिसमें ये इरशाद न फरमाया हो, क्या ला ईमान लिमन ला अमानत अल्लाह वला दीन लिमन ला अहद अल्लाह। ला ईमान, उस शख्स का ईमान ही नहीं, यानी उस शख्स का ईमान कामिल, लिमन ला अमानत अल्लाह, जिसके अंदर अमानत नहीं है। क्या है? तो अमानतदारी भी करनी पड़ेगी। वला दीन लिमन ला अहद अल्लाह, और जो अपने वादे को पूरा नहीं करता उसका दीन ही नहीं, उसका दीन ही नहीं। तो पहली जो बात बताई अकल वालों की, यूफ़ून बिअहदिल्लाह वला यनक़ुदूल मीसाक, वादों को पूरा करते हैं, वादे तोड़ते नहीं। दूसरी सिफत क्या है उनके अंदर? वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही, वो लोग जोड़ते हैं उन तमाम चीज़ों को जिनके जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। वह अक्षौन रब्बहुम, अल्लाह से डरते भी हैं। तो क्या मतलब है इसका? अल्लाह ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उसको वो जोड़ते हैं। इसकी वजाहत आगे भी आएगी कि वो रिश्तों को तोड़ते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या बताया हमको जोड़ने का? इसमें सबसे पहली बात आएगी अपने अजीज़ अकारिब और रिश्तेदार, फरमाए कि इनके साथ तुम जोड़ो, ताल्लुकात तोड़ो मत, नेक सलूक इनके साथ कर लो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना, इससे ख़ानदान में मोहब्बत पैदा होती है, माल में बरकत होती है और मौत में ढील हो जाती है। मौत में ढील का यह सबब है। एक दूसरी हदीस में भी है, जो शख्स ये चाहता है मेरे रिज़्क़ में कुशादगी हो, क्या और जल्दी मौत ना आए, उसको चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि उस कौम पर खुदा ताला की रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई कतअ रहमी करने वाला शख्स होता है, यानी उसकी वजह से तो पूरा ख़ानदान ही महरूम हो गया। जैसे मशहूर है कि एक बेनमाजी की जो बेबरकत है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बहरहाल ये फरमाया कि अपने अजीज़ और अकारिब और रिश्तेदारों के साथ वो अच्छा सलूक करते हैं। तो इसकी दो तीन सीखें हैं।
एक तो ये है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, और दूसरा ये है कि जो करीबी रिश्तेदार तो नहीं लेकिन हमसाया हैं, क्या हैं, रिश्ता उनके साथ नहीं है लेकिन हमसाया है और मोमिन है, मुसलमान है, एक शिक वो भी है। दूसरा ये है कि अगर वो करीब भी नहीं लेकिन एक आम मुसलमान है तो उनके भी हकूक़ हैं, इनके भी हकूक़ हैं, इनके भी हकूक़ हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक रिवायत में हम फरमाया कि हमसाए तीन तरह के होते हैं, कितने, एक हमसाया वो है जिसके तीन हक हैं, कितने, दूसरा हमसाया वो है जिसके दो हक हैं, तीसरा हमसाया वो है उसका एक हक है। मसलन आपस में करीब में रहते हैं, ये चचा है, ये चचेरे भाई हैं, इस तरह से, तो ये हम चचेरे भाई भी हैं, हमसाए भी हैं, ईमान वाले भी हैं, तो तीन हक हैं, कितने, तीन हक हैं। उसके बाद एक हमसाया है लेकिन लगता कुछ भी नहीं है, जैसे श्रीनगर में एक कपवाड़ा का है, एक कुलगाम का है, तो हमसाया तो है वो लेकिन रिश्ता उसके साथ कुछ भी नहीं, तो ईमान वाला भी है और हमसाया भी है, उसके दो हक हैं, उसके दो हक है। तीसरा जो है वो गैर मुस्लिम है, क्या है, उसका भी हक है, उसका भी, क्यों, हमसाया है ना, हम उसका भी हक है, तो चाहे वो रिश्ते उसके साथ कुछ नहीं लिया, उसका भी हक है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है, तो क्या मैं उसके साथ वो कर लूँ अच्छा सलूक। फरमाया कि हाँ, उसके साथ अच्छा सलूक कर लो, अगर तुम्हें कोई चीज़ हो बतौरी हदिया के वो उसके पेश कर लो। तो खुलासा ये है कि हमसायों का भी हक है और रिश्तेदारों का भी हक है। ये जो रिश्ता है ये बहुत अहम है, इसको ज़रा गौर से सुन लेना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن। इरशाद फरमाया رسول الله صلى الله عليه وسلم ने, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया, फारिग हो गए तो रिश्ता खड़ा हो गया, रिश्ता तो فأخذت بحق الرحمن, उसने हजरत रहमान की कमर को पकड़ लिया। ये मुतशाबिहात में से है, कमर को पकड़ लिया ने, कमर पर हाथ रख लिया। फ़काल माह, अल्लाह ने फरमाया क्या बात है, क्या ये अल्लाह के नबी से इसलिए भी समझाया कि जब कोई मजलूम होता था पहले ज़माने में तो बादशाह के पास जाता था, अब किसी से कहता था भाई मुझ पर जुल्म हो रहा है ज़रा बादशाह से कह दो, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा जुल्म होता था वो खुद अंदर आ जाता था, नहीं मुझे खुद बादशाह से बात करनी है, तो बादशाह के कमर पर हाथ रखता था, इस पर कोख पर, इसको हजरत होल बनना चाहिए ये, तो बादशाह समझता था तो इस पर बड़ा जुल्म हुआ है तो उसकी बात फौरन सुन लेता था। तो ये रहीम खड़ा हो गया और हजरत रहमान की कमर पर हाथ रखा, अल्लाह ने फरमाया क्या बात है, क्यों खड़े हुए आप। फ़काल मह कालत हाजा मकामुल आईज़िबिका मिन अल-क़तिया, उसने कहा हजरत ये मैं आपकी पनाह का तलबगार हूँ और ये खड़े होने की जगह है जहाँ मजलूम खड़ा होता है, कि मेरा क्या किया, मिन अल-क़तिया के मैंने आते कि दुनिया में जाकर लोग मुझे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों पर वो जो है तर्क कलाम करेंगे, भाई भाई से दूर हो जाएगा, इस तरह से भाई बहनों में ताल्लुकात नहीं रहेंगे, रिश्तेदार और रिश्ते काटेंगे, तो मेरा क्या किया आपने, मुझे तो आप दुनिया में भेज रहे हैं। क़ाला अला तर्ज़ीना, अल्लाह ताला ने रिश्तों से फरमाया क्या आपको ये बात पसंद है, आप इस पर राज़ी हैं, क्या कहा, अन असिला मन वसलती, ए रिश्ता जो तुझको जोड़ेगा उसको मैं अपने से जोड़ूंगा, और वह अख्ता मन खता के, और काटूंगा उसको अपने से जो तुझको काटेगा, ये रिश्ते से फरमाया अल्लाह ने। कालत भला यार, उन्होंने कहा क्यों नहीं मुझे मंजूर है, काल फजाक है, फिर चाहो तुम्हारे लिए वादा है, तुम्हारे लिए वादा। ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है ये, कि रिश्ता उस वक्त खड़ा हो गया और उसने ये बात अर्ज़ कर ली कि लोग दुनिया में जो है वो रिश्ता बरकरार नहीं रखेंगे तो मेरा क्या होगा, आपने फरमाया बस यही है, जो तुझको काटे उसको अपने से काटूंगा, जो तुझको जोड़े उसको अपने से जोड़ूंगा, आप राज़ी हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल, कहा जाओ ये तुम्हारे से वादा है। इससे मालूम हुआ कि जो दुनिया में रिश्तेदारों के साथ जो कतः ताल्लुक़ होती है, नाइंसाफियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, तो इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी रिवायत भी उन्हीं से है, वह अनहु कॉल
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن یا شجنة من الرحمن پڑھ سکتے ہیں. فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ. اس کا خلاصہ بھی یہی ہے لیکن اس کا انداز دوسرا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ لفظ رحم, لفظ رحمیم, فرماتی یہ نکلا ہے رحمان سے. کسے؟ رحم رحمان سے نکلا ہے, یعنی وہاں بھی رحمیم یہاں بھی رحمیم. تو پھر اللہ نے فرمایا رشتے سے, فرمایا سنو جو تجھ کو جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا اپنے ساتھ, جو تجھ کو کاٹے گا اس کو کاٹوں اپنے سے. تو فرمایا کہ رحیم جو ہے رحمان کی شاخ ہے. کیا ہے؟ رحمان کی شاخ ہے جی, یعنی مشتق ہے اس لفظ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ کو کیسا قربت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. اور ایک روایت بھی ہے, یہ روایت بھی بخاری میں ہے کہ وصلک وصلتہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. متفق علیہ, بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اور ناتا یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ یعنی عرش کا پایا ہوا ہے اور لٹکا ہے اسے. تو کہتا کیا ہے؟ یعنی جو شخص مجھ کو جوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ جوڑے گا, جو شخص مجھ کو توڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے جدا کرے گا. تو یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رشتوں کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے. اور ایک روایت بھی ہے, حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنۃ قاطع, جو رشتوں کو توڑتا ہے رشتوں کو کاٹتا ہے جوڑتا نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا. کیا؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب تو وہ کہتا ہے یہ رشتے وشتے کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری میں یہ نہیں مانتا. تو یہ تو پھر کفر ہے, یہ تو انکار کر رہا ہے اس چیز کا, تو اس کی وجہ سے تو دوزخ میں جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ مانتا ہے, انکار نہیں کرتا ہے, لیکن عملی اعتبار سے وہ قطع تعلق کرتا ہے, یہ بھی پہلے جنت میں نہیں جائے گا. اس نے باقی سارے کام اچھے کیے ہیں, نماز بھی پڑھ لیا, حج بھی کیا ہے, لیکن قطع رحمی کرتا تھا. اس سے کہیں گے پہلے تم بھگتو سزا, اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا. تو یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. یہ روایت بہت اہم ہے, اس کو سننا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص بدلہ چکاتا ہے کیا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. بدلہ چکانے والا کیا مطلب ہے؟ فرض کر لیجئے ایک شخص کا باپ بیمار ہے, کچھ لوگ آئے عیادت کے لیے کچھ لوگ, تو جو عیادت کے لیے آئے یہ اس کے عیادت جائے گا. تو تم آئے اس خبر اس گسو, تو جو آئے گا عیادت کے لیے یا دعوت اس کو کی جو بھی, تو یہ واپس جاتا ہے. تو یہ جو واپس جاتا ہے یہ بدلہ چکاتا ہے, یہ واصل نہیں ہے. یہ واصل یہ رشتوں کو جوڑنے میں تو چکاتا ہے, بدلہ چکاتا ہے. پھر واصل کون ہے؟ پھر فرمایا واصل تو وہ ہے کہ جب لوگ اس سے تعلق قطع کریں گے, کیا کریں گے؟ منقطع کریں گے, یہ شخص جا کے جوڑتا ہے, یہ شخص جا کے وہ نہیں آئے جاتا ہے, وہ جنازے میں نہیں آئے جنازے میں گیا, وہ عیادت کے لیے نہیں آیا وہ یہ عیادت کے لیے گیا. اسی طرح سے بہت سے موقعوں پر انہوں نے اس کو پوچھا نہیں اور ان کو پوچھتا ادھر سے جاتا ہے. پر یہ واصل ہے. کون؟ وہ واصل نہیں ہے, وہ صرف بدلہ چکاتا ہے. یہ آپ نے فرمایا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الیہ واحلم عنہم ویجہلون علیہ فقال لئن کنت کما قلت فکأنما تصفہم تصف الملا ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک. رواہ مسلم. یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ روایت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں,
वो ऐसे हैं, मैं उनके साथ नेक सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ भला सलूक करते हैं, और मैं उनके साथ एहसान करता हूँ वो मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं उनके साथ हिल्म और बुर्दबारी और दरगुजर का वो मामला करता हूँ और मुझसे जहालत के साथ पेश आ जाते हैं तो और मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझ पर अपने गैज़ गज़ब का इजहार करते हैं। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसे ही हो जैसा तुमने बयान किया, यानी अगर ये वाकई ये जो सब सच है जो तुम कह रहे हो, तो अगर तुम वाकई ऐसे हो जैसे तुमने बयान किया तो गोया तुमने उनको गर्म राख उनकी तरफ लगा दी। क्या मतलब ये है? मतलब तो ये है कि आपने अपना हक पूरा कर लिया तो ये सारा वबाल उनके ऊपर है, और तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा मदद और नुसरत रहेगी, हमेशा अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी, और जो उनकी तकलीफ़ों से इज़ार आसानी से उनके शर से तुम्हारी हिफाजत करेगी जब तक तुम इस सिफत पर कायम रहोगे। तो बहरहाल इसमें फरमाया कि ये जो ईमान वाले हैं इनकी जो सिफात हैं, एक सिफत तो इनकी ये है कि अल्लाह ताला के वादों को पूरा करते हैं, और ये वादा अगर इन्होंने दुनिया वालों के साथ किए हैं उसको भी पूरा करते हैं। तो ये तीसरी सिफत इनको बता दी कि ये लोग जोड़ते हैं उन रिश्तों को जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, उनको तोड़ते नहीं। तो इसकी एक शक्ल तो ये है अपने जो ये रिश्तेदार हैं करीबी। दूसरा इसका ये है कि पड़ोसी भी इसमें आएंगे, उनका भी हक है अगर वो रिश्तेदार नबी हों। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो आप टेक लगाए हुए थे फिर यूं बैठे, और तीन मरतबा आपने फरमाया वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो शख्स मुसलमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, तीन मरतबा आपने कसम खाकर फरमाया। सहाबा किराम घबरा गए, पता नहीं किसके बारे में इरशाद हो रहा है। तो अर्ज़ किया गया मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत कौन शख्स बेईमान है? आपने फरमाया मल्ला यामुन जारुहु बवायकहु, जो अपने हमसाये को सताए, जो अपने हमसाये को, हमसाये का लफ्ज़ कहा, ये नहीं कहा कि वो रिश्तेदार हो या न हो, हमसाया है उसको सता रहा है। अब सताने की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं ना, कभी पानी डालेगा, कभी क्या क्या करेगा, कभी वो करेगा, कदम मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, ये है। तो फरमाया कि ये शख्स जो है वो मोमिन नहीं है, कसम खाकर फरमाया। मालूम है कि हमसाये का भी हक है, क्योंकि ये भी उस जो रिश्ता बताया था उसकी एक शिक ये भी निकलती है। एक दूसरी हदीस में आहसिन इला जारी का तकुन मोमिना, ये अल्लाह ताला ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया था कि कौन है तुम में से जो ये चीज़ें मुझसे सीखे, मैं याखुज़ानी हवलाइल कलिमात। उसमें आपने एक चीज़ ये भी फरमाई कि वह आहसिन इला जारी का तकुन मोमिना, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम मोमिन बन जाओगे, मोमिन मोमिन बन जाओगे। इसी तरह से एक रिवायत में है आपने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जो पेट भरकर खाए उसको मालूम है कि मेरा हमसाया जो ये भूखा है, ये मोमिन ही नहीं है, ये संगदिल है, ये खुदगर्ज है। तो ये कैफियत ईमान के शान के खिलाफ है कि इसको कोई एहसास ही नहीं होता है। तीसरी शिकस्त की है दीनी अखुवत, दीनी इस्लामी कराबत का पास लिहाज। ये फरमाया इरशाद रसूलुल्लाह ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर छः हक हैं, कितने? ये एक मौके पर फरमाया, और भी हो सकते हैं लेकिन ये एक मर फरमाया, जब बीमार हो तो उसकी इयादत करना, जब बीमार हो तो इयादत करेगा, वहाँ देखेगा और खर्चा है इसके पास या नहीं है, इयादत भी कर लेगा। ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तो जब कोई बीमार हो जाएगा तो बहुत रकम उसको लगती है। जब इंतकाल हो जाए तो कफन दफन के लिए हाजिर होना, कफन दफन के लिए हाँ जनाजे भी पड़ लेगा, कफन दफन में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें करेगी, उसका हक है उसके ऊपर। रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार लेकिन बहरहाल मुसलमान है। जब दावत करे तो कबूल करना, जब दावत करे तो दावत से सिर्फ ये दावत नहीं है कि कल आ जाना और 12 बजे खाना खा लेना, वो तो जाते ही हम, इसका मतलब है जब वो आपको बुलाए मशवरे के लिए, क्या उसे कोई ज़रूरत है आपके पास, वो बुला रहा है आपको, दावत दे रहा है, तो उसकी दावत कबूल कर लेना। पर मैं जब मुलाकात हो तो सलाम कर लेना, क्या सलाम कर लेना, ये उसका हक है। और एक
कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि जब कयामत करीब आएगी तो लोग सलाम करेंगे, लेकिन अपने जान पहचान वालों को, किनको? जिसे जान पहचान नहीं है उसे कोई सलाम नहीं करेगी, हालांकि वो सामने है। तो ये उनका हक था, वह ये हक उसने ज़ाया कर दिया। पांचवीं चीज़ पर मैं, जब उसको छींक आए क्या, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में कहना यरहमकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम पर। हाँ, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ता है तो वाजिब नहीं है उसको यहाँ से यरहमकल्लाह कहे, क्योंकि उसको पहले अल्लाह का हक अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। छठा फरमाया कि उसकी खैरखाई करना चाहे वो हाजिर हो या गायब हो, क्या मतलब कहीं चिल्ले में चला गया है तो उसको देख ले, उसके खेत को देख ले कि उसमें ये वो जानवर तो नहीं गए हैं, उसके खेत में पानी भरने की ज़रूरत तो नहीं है, उसकी खैर खबर कर ले और उनके अलायाल को बता दे कि भाई चावल हैं घर में, नहीं है कोई चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि तुम्हारा अब्बू जो है वो दिल्ली गया हुआ है और जमात में गया हुआ ये है, तो वो हाजिर हो तब भी उसके साथ अच्छा, उसका अच्छा चाहे उसके लिए। अगर वो हाजिर नहीं है, गायब है, तब भी उसके साथ क्या करे, अच्छा मामला कर ले, ये फरमाया। आगे फरमाया कि वह यक्षम रब्बा हूँ, क्या वो अपने परवरदिगार से डरते हैं, परवरदिगार से, इन्हें मोमिन हर वक्त अल्लाह से डरता है। अल्लाह ताला के नेक बंदे नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदका खैरात भी देते हैं, इसके बावजूद उनके दिलों में अल्लाह का खौफ रहता है। खौफ क्यों रहता है, पता नहीं ये हमारे आमाल कबूल हुए या कोई गुरूर नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, मैंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत के बारे में पूछा, वल्लज़ीन युतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, कि वो लोग जो देते हैं अल्लाह के लिए लेकिन उनके दिल डरते रहते हैं, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो डरते रहते हैं ये शराबी हैं क्या, और जो चोरी करते हैं उन्हीं के बारे में ये आयत है? आपने फरमाया सिद्दीक की बेटी, नहीं उनके बारे में नहीं है, बल्कि उन खुदा के बंदों के बारे में है जो नेक हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, इसके बावजूद डरते रहते हैं। फिर डर किस चीज़ का, कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी ये खिदमत कबूल कर ली या नहीं कबूल, क्योंकि उम्मीद भी रखनी चाहिए, डर भी रखना चाहिए। फरमाए यही लोग हैं जो भलाइयों के नेक कामों की तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शानी बेनियाजी भी है, उसका कहर जलाल भी है, उससे आदमी को हर वक्त डरना चाहिए और नेक आमाल करने के बावजूद उसको मुतमईन नहीं रहना चाहिए और बराबर डरता रहे कि कहीं मेरा अमल किसी खोट की वजह से मेरे मुंह पर मार न जाए। तो जिस कदर खौफ दिल में होगा उसी कदर अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाएंगे। किताबों में लिखा है, ये सलूक की किताबों में है, ये ज़िमन मुझे याद आया कि एक बुज़ुर्ग थे, तो किसी ने कहा कि भाई उसको महसूस हो गया कि अल्लाह ताला को जलाल आ गया, क्या जब जलाल आता है तो कुछ ना कुछ थप्पड़ तो मारता ही, तो ये जल ख्याल उसको आया, पहले वो घबरा गया, फिर उसने कहा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे डरने की क्यों, मेरे पास नेक आमाल बहुत हैं, बस ये जो ख्याल आया मुझे अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नेक आदमी वो ही हूँ, तो इस पर अल्लाह को और जलाल आ गया क्या। तो फिर उसने से कहा कि इसके नामयाम जितनी नीकी हैं सब ख़त्म कर लो, इसके दिल से मेरा खौफ क्यों निकला, क्या मेरा खौफ, इसकी मिसाल बताता हूँ। गोया उसने सोचा कि जो गज़ब खुदाबंदी ऊपर से आ रहा है, क्या है तो मेरे आमाल इसका मुकाबला करेंगे, क्या करेंगे और इसको दूसरी तरफ फेर लेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जब एक जैसे एक नादान शख्स है, उससे कहा कि भाई बाहर मत निकलो, हैं तो वहाँ जो है वो गोलियाँ इस वक्त बरस रही हैं, मत जाओ। उसने कहा मेरे पास तो फेरन है, मेरे पास तो फेरन। वो ये समझा कि उसको मालूम नहीं था ये गोली क्या चीज़ है, वो ये समझा कि भाई ये तो बिल्कुल जो है कोई कांटे की तरह होगी, उसको मालूम नहीं है कि वो तो कपड़ों के अंदर भी पार पार हो जाएगी, तो वो नादान गया तो और शिकार हो गया। तो उसे कहा कि ऐसे अल्लाह ताला का गज़ब अल्लाह ताला बचाए, उस वक्त तो हर मोमिन को भी क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, घबराना चाहिए, तो उसके दिल से घबराहट खत्म होगी कि अब मुझे कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पर अल्लाह का गज़ब आ। अच्छा, गोया दूसरे लफ्ज़ों में ये सोचता है कि मेरे जो कपड़े हैं ये तोप का भी क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो फरमाया कि ईमान वालों की एक ये सिफत इसमें यह है कि वो नेक काम करने के बावजूद भी अल्लाह ताला से डरते रहते हैं।
और हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों को फरमाएंगे कि जिस शख्स ने कभी मुझे याद किया दुनिया में किसी मौके पर और उसकी आँखों से आंसू बह गए, और वो दोज़ख़ में है, किस में है, लेकिन वो डर गया था मुझसे, उसको वहाँ से निकाल लाओ, उसको वहाँ से निकाल लाओ। और एक रिवायत में यह है कि जो तन्हाइयों में अल्लाह के खौफ से अल्लाह की मोहब्बत से रोता है उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। तो ये उनकी और एक सिफत आई। पांचवी सिफत है कि सख्त अजाब का अंदेशा रखते हैं। क्या यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफून सुअल हिसाब, पता नहीं क्या होगा, कैसे पकड़ होगी वहाँ। तो फरमाते हैं कि ये भी उनकी एक, अब छोटी छोटी बातों पर भी पकड़ हो सकती है ना, जैसे वो एक बुज़ुर्ग थे, बल्कि एक तो तबलीगी साथी का वाक़या भी है, वो जमात में गया था, मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ, तो गोश्त तो नहीं कह रहे थे, चर्बी खरीदी थी क्या, चर्बी तो चर्बी जो पकाई वो सालन के साथ लगा दिया, उसने मुझे खुद बता दिया, कहा कि दोपहर में हम मस्जिद में थे तो खिदमत मेरे ज़िम्मे थी, खाना निकाला और वो जो मैंने देखा वो कि वो शरबा वरबा है, तो इतना सा बच गया था, वो चर्बी वो पिघली नहीं थी, बाकी तो पिघल गई, तो मैंने उसको उठा के अपने मुँह में डाल दिया, सब उन्हें खाना खा लिया, ख्वाब में मैंने देखा कि चंद आदमी आ गए, उन्हें मुझे पकड़ लिया, वो आपस में बातें कर रही हैं, इस शख्स ने हराम खाया है क्या। मैंने उनसे कहा मैंने कब हराम खाया, उन्होंने कहा देखो चर्बी तुम्हारा हक नहीं था, सबका हक था, आपने क्यों खाया। तो उसने मुझे खुद कहा 10 रुपये की चर्बी थी, कितनी, बेदार होने की, वो तो घबरा गया, तो सबसे पहले काम किया 10 रुपये निकाल के ज़रे ताम में डाल दिया और साथी से माफ़ी मांगी। ये तो आँखों देखा है। किताब में बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है कि वो कमरे में थे, कमरा उनका अपना नहीं था, वो घरवाले का था, वो उसमें था, किराए में रहता था, बुज़ुर्ग भी था, मुबल्लिग भी था, तो उस ज़माने में हाथ से लिखते थे कलम और स्याही, तो वो वाले आज वाले कलम नहीं थे, कभी कभी स्याही गिरती थी उस कागज़ पर, तो स्याही गिरी तो आज तो ब्लैटिंग व्लैटिंग क्या आता है पेपर, तो उसने ऐसे खुरचा थोड़ा सा मिट्टी उस पर डाल दी, अल्लाह खैर सल्ला, हम और भी लिखा मामूलात किए तो सो गया। उन्हें खुद लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा मैदानी महशर कायम हुआ, क्या महशर कायम हुआ, वहाँ ऐलान हो गया जिन लोगों ने किसी का हक दबाया हो उनको अलग कर दो, तो हज़ारों लोगों को अलग कर दिया, तो मुझे भी उसी में डाल दिया। मैंने कहा मैं मुझे क्यों डाल रही है, हाँ मैंने किसका हक खाया है। बहुत इसरार के बावजूद उन्हें माना नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप लिख रहे थे कल, उन्हें कहाँ लिख रहा था, फिर क्या किया जब आपके ऊपर वो स्याही गिर गई कागज़ पर, उसने कहा मैंने उस पर मिट्टी डाली, कहा मिट्टी कहाँ से लाई, कहा वो मैंने ताक से निकाली, कहा ताक किसका था, उसने ताक तो मेरा नहीं था, कहा बस यही हक है और कोई हक नहीं तुम्हारे ऊपर। अब जब वो बेदार हो गया तो इतनी घबराहट उस पर तारी थी, लंबा वाक्य उन्होंने लिखा है, फिर उसने खुलासा यही कि उसने माफ़ी मांगी किससे, घर वाले से, घर वाले ने कहा क्या है तुम बुजुर्ग हो तो ज़्यादा डरते हो, ये कोई बात है, ये कोई इतनी सी चुटकी आपने उठा ली। उसने कहा हाँ आपके सामने और मेरे सामने कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन अल्लाह के सामने है क्या, यही है फ़म यामन मिसकाल ज़रतिन खैर यरा। तो फरमाया कि ईमान वालों की एक सिफत यह है कि वो अल्लाह ताला से डरते हैं और हिसाब से डरते हैं, किससे, इसीलिए कहते हैं हसबनल्लाह इंदल हिसाब। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल